हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपना डायरेक्टर दिनेश वर्मा, और आज हम ले जा रहे हैं आपको नए ब्लॉग में, जो कि है बाबा श्री रामदेव जी महाराज का शोभा यात्रा का ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आज हम आपको कई सारी चीज़ें दिखाएंगे, जैसे बाबा के ढोल हो गए, झांकियाँ हो गई, कई सारे अन्य जुलूस, और विजिट करवाएंगे DCM का, श्री बाबा रामदेव जी का जुलूस। तो बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपका अपना, और मिलते हैं आगे। हम आ चुके हैं लोकेशन पर, और ये मेरा फ्रेंड है, इसके घर से हम निकल रहे हैं। पास ही में ही बाबा का जुलूस निकल रहा है, आपको दिखाते हैं। तो हम जा रहे हैं अब ब्लॉग शूट करने के लिए, भाई गाड़ी चला रहा है और हम निकल चुके हैं। गलियों गलियों में घूम फिर के जाना पड़ता है, क्या करें क्या करें। रोड ही बहुत टफ है हमारे यहाँ के तो। ये देखिए माहौल गली का, इसको कौन सा इलाका बोलते हैं भाई? चेतन का मोहल्ला, इसको चेतन का मोहल्ला बोलते हैं वैसे तो, और ये पावर हाउस में आता है वैसे तो। लवली शास्त्री स्कूल वाली गली है ये, और देखिए हम कितने सारे ब्राइट ब्राइट फेस हो रहा है हमारा, कितना अच्छा। वन प्लस का फ़ोन है तो दुनिया ही नाम से बोलती है, DSLR रहने दो, वन प्लस चलाओ मस्त। Thank you.
चुके हैं चोत माता मंदिर चौराहे पर और जा रहे हैं हम ब्लॉग के आगे की नई कड़ी जोड़ने के लिए। तो तैयार रहिए, हम देखते हैं वो जो पुरानी रीति रिवाज के थ्रू करते हैं कि ढोल के नीचे से बाबा रामदेव जी के बयान के नीचे से निकलना पड़ता है, वही सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं अब। ठीक है, मिलते हैं अब ढोल के नीचे। साथ आप सभी को देखने को मिलेगा गणेश चतुर्थी का माहौल। यहाँ पर देखिए कई सारी प्रकार की मूर्तियाँ, छोटी बड़ी सभी प्रकार के गणपति यहाँ पे विराजमान हैं और ये जाएंगे अपने सभी घरों पे। तो फ्रेंड, हम अब घर आ चुके हैं, फाइनली हमारा ब्लॉग ख़त्म हो चुका है और टाइम भी 7:30 से ज़्यादा हो चुका है। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।